नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज एच है और जो MSMED का सेक्शन 15 और 16 है, इसके बारे में बिल्कुल सरल तरीके से पूरा डिटेल में आपको बेसिक बताऊंगा और आप समझ जाएंगे यह जो पूरा मामला चल रहा है इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लॉज एच की वजह से जो पूरे मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है, यह पूरा मामला क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल सरल तरीके से पूरा मैटर समझ जाओगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा यह जो MSMED एक्ट का सेक्शन 15 है, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज एच है, इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। किससे? जो सेक्शन 15 है MSMED एक्ट का। तो सबसे पहले हम यही आपको बताता हूं कि ये जो MSME का सेक्शन 15 है ये क्या कहता है। दोस्तों, यह जो MSME का सेक्शन 15 है यह आज से नहीं है। यह जो MSMED एक्ट 2006 है तब से यह लागू है, लेकिन आज तक किसी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो कि MSME में रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन उनको इस सेक्शन के बारे में, इस सेक्शन ने उनको कितना पावर दिया हुआ है के बारे में पूरी जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन अब जो क्या है इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज एच आ गया, इसकी वजह से यह बहुत अच्छे तरीके से चर्चे में आ गया है। अब सब हर कोई इस चीज को समझना चाह रहा है, के बारे में जानना चाह रहा है। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा कहता हूं कि जो यह MSMED एक्ट है ना, यह आपको बहुत ज्यादा पावर दिया हुआ है। जो भी बिजनेसमैन इस एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और अभी मैं बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 15, इसका MSME का सेक्शन 15। दोस्तों जो यह सेक्शन 15 है MSME का, यह क्या कहता है? यह कह रहा है कि पेमेंट की लायबिलिटी को यह बता रहा है कि भैया पेमेंट जो है, अगर आपने MSME से परचेज किया है, आपको उस MSME को कितने दिनों में तब तक पेमेंट कर देना है। इस सेक्शन में सिर्फ पेमेंट के बारे में बताया गया है, एक पेमेंट की लायबिलिटी को डिसाइड किया गया है कि इतने दिनों में आपको पेमेंट करना है। तो मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। अगर आप सप्लायर और बायर, मान लीजिए आप बायर हो और आपने जिससे माल परचेज किया है वह आपका जो सप्लायर है वह माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है। ध्यान रखना, में मीडियम इंटरप्राइजेज भी होते हैं, लेकिन इस सेक्शन में मीडियम इंटरप्राइजेज को कवर नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज की ही बात होगी। ठीक है, जैसे सप्लायर और बायर, मतलब आप बायर हो, आपने माल परचेज किया, तो जिससे माल परचेज किया जो आपका सप्लायर है वह माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है। तो यहां पर सप्लायर और बायर के बीच में पेमेंट कंडीशन को लेकर लिखित में अगर कोई एग्रीमेंट है, सप्लायर और बायर के बीच पेमेंट कंडीशन को लेकर लिखित में अगर कोई एग्रीमेंट हो, तो एक्सेप्टेंस डे, कहां से एक्सेप्टेंस डे, मतलब स्वीकृति की तारीख से 45 दिन में पेमेंट करना होगा। क्या कौन कह रहा है? यह सेक्शन 15 कह रहा है MSME का। यहां तक का मैटर क्लियर हुआ कि आप बायर हो और सप्लायर, बायर और सप्लायर के बीच में अगर पेमेंट कंडीशन को लेकर कोई एग्रीमेंट है लिखित में, तो एक्सेप्टेंस डे से 15 दिन में पेमेंट करना होगा। यह 15-45 दिन वाला चक्कर चल रहा है, यहां यह मैटर क्लियर हुआ 45 दिन वाला।
सेक्शन 15 कहता है अगर सप्लायर और बायर के बीच में पेमेंट कंडीशन को लेकर लिखित में कोई एग्रीमेंट है तो एक्सेप्टेंस डेट से 45 दिन में पेमेंट करना होगा अगर एग्रीमेंट है तो। ओके, अब एग्रीमेंट का मतलब दोस्तों ऐसा मत समझ लेना कि एक लीगल पेपर पे बकायदा कोई स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाया जाए लिखित में फिर साइन किया जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपके इनवॉइस के ऊपर भी पेमेंट कंडीशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि भैया 45 दिन में पेमेंट कर देना है या 15 दिन में पेमेंट कर देना है या 30 दिन में पेमेंट कर देना है तो वह लिखित ही माना जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मेट लाने की जरूरत नहीं है कि अलग से कोई लीगल पेपर लाने की जरूरत नहीं है, आपकी बिल पर भी लिखा हुआ है तो वह लिखित में माना जाएगा। यहां तक मैटर क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं एक दूसरा चल रहा चक्कर 15 दिन वाला। 15 दिन वाला क्या है? अगर सप्लायर और बायर के बीच में पेमेंट कंडीशन को लेकर लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एक्सेप्टेंस डे यानी कि स्वीकृत की तारीख से पेमेंट 15 दिन में ही करना होगा। बस सेक्शन जो 15 है एमएसएमई का यही कह रहा है कि अगर आपके और आपके सप्लायर के बीच में पेमेंट के लिए लिखित में कोई रिकॉर्ड है, लिखित में कोई एग्रीमेंट है या चाहे इनवॉइस के ऊपर ही लिखा हुआ है लिखित में है तब तो आपको 45 दिन का समय मिलेगा। अगर लिखित में कोई कंडीशन नहीं है पेमेंट को लेकर फिर तो आपको 15 दिन का समय मिलेगा, 15 दिन में आपको पेमेंट करना होगा अपने सप्लायर को। या तो सेक्शन 15 कहता है किसका? एमएसएमई का। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताता हूं मैं, अगर सप्लायर और बायर के बीच पेमेंट कंडीशन को लेकर 15 दिन से ज्यादा की उधारी का एग्रीमेंट हुआ है तब भी पेमेंट 45 दिन में ही करना होगा। 45 दिन से ज्यादा की उधारी का एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। या कौन कहता है? यह कह रहा है सेक्शन 15 इसका एमएसएमई का। अब एमएसएमई में इतना पावर है, इतना पावरफुल है कि यह किसी और का कंडीशन मानेगा ही नहीं। अब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट का भी कानून है, एग्रीमेंट का भी एक्ट है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपका कोई भी एग्रीमेंट हो अगर वह 45 दिन से ऊपर का है, अगर मान लीजिए 60 आपका बायर आपका सप्लायर और बायर दोनों सहमत हैं, बोलते भैया ठीक है आप 90 दिन में पेमेंट करना, मैं 90 दिन की उधारी देने के लिए तैयार हूँ, और दोनों का एग्रीमेंट बन जाता है ठीक है 90 दिन में पेमेंट होगा, लेकिन जो यह एमएसएमई का सेक्शन 15 है या उसको नहीं मानेगा, बोलेगा मैं 90 दिन नहीं मानूंगा, जो मेरा कानून है जो मेरा रूल है कि आपको एग्रीमेंट भले ही 90 दिन का हुआ लेकिन फिर भी आपको 45 दिन में ही पेमेंट करना पड़ेगा। इतना पावर है किसमें? इस एमएसएमई एक्ट में, क्योंकि या और दूसरा कोई एग्रीमेंट मानेगा ही नहीं, भले आप दोनों सहमत हो लेकिन नहीं मानेगा। क्या चीज क्लियर हुआ कि अगर सप्लायर और बायर के बीच पेमेंट कंडीशन को लेकर 45 दिन से ज्यादा की उधारी का एग्रीमेंट हुआ और दोनों सहमत है, बायर और सप्लायर सहमत है, कोई बात नहीं भैया आप 90 दिन में पेमेंट देना मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं माल आपको दूंगा, आप मुझे 90 दिन के बाद पेमेंट करना, लेकिन यह नहीं मान रहा है भैया 90 दिन में नहीं मानूंगा, कौन? जो एमएसएमई का सेक्शन 15 है, बोल रहा मैं 90 दिन की उधारी नहीं मानूंगा, चले आपने 90 दिन लिखा हुआ है आपको 45 दिन में ही पेमेंट करना होगा। इसको कहते हैं पावर। कितना पावरफुल है? जो भैया एग्रीमेंट का जो एक्ट है, एग्रीमेंट का जो कानून है उसको भी नहीं मान रहा है, ये अपना कानून लगा दिया। या तो दोस्तों क्लियर हुआ कि जो सेक्शन 15 है एमएसएमई का क्या है? सेक्शन 15 ने डिसाइड कर दिया कि आपको अपने सप्लायर को भैया इतने इतने दिन में पेमेंट देना है, सेक्शन 15 तो ये बोल दिया ठीक है। अब इसमें एक सेक्शन 16 है, एमएसएमईडी एक्ट में सेक्शन 16 है। 16 क्या है? 16 में क्या कहा गया है? 16 में अगर आपने पेमेंट नहीं किया है अपने सप्लायर को तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 16 में इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 16 में क्या कहा गया है? सेक्शन 16 में यही कहा गया है कि अगर बायर ने अपने सप्लायर को, कौन सा सप्लायर? जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ध्यान रखना मीडियम नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, अगर कोई बायर अपने सप्लायर को
एमएसएमई सेक्शन 15 के अनुसार पेमेंट नहीं किया है तो, अब देखिए जो सेक्शन 16 है एमएसएमई का, ये भी रेफरेंस दे रहा है किसका, सेक्शन 15 का, और सेक्शन 15 को हमने पहले ही पहचान लिया है भैया। सेक्शन 15 बोल रहा है कि अगर एग्रीमेंट हुआ है तो 45 दिन में पेमेंट कर देना है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो 15 दिन में पेमेंट कर देना है। पेमेंट का तारीख फिक्स कर दिया है आपका सेक्शन 15। और जो सेक्शन 16 है ये क्या बोल रहा है, अगर बायर ने सप्लायर को एमएसएमई सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट के ड्यू डेट के ठीक बाद की तारीख से, जहां आपका पेमेंट ड्यू डेट हो रहा है, जहां से आपका 45 दिन खत्म हो रहा है, उसके बाद की तारीख से उस अमाउंट पर भैया मंथली ब्याज देना होगा, सेक्शन 16 बोल रहा है। और वो भी सिंपल ब्याज नहीं, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, या सेक्शन 16 बोल रहा है। अब इसमें ये भी बताया है कि अब ब्याज देना होगा तो ब्याज का रेट क्या होगा, किस परसेंट से ब्याज देना होगा, तो यहां ये भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक को द्वारा नोटिफाई बैंक रेट, जो ब्याज बैंक रेट का चल रहा होगा, जिसको रिजर्व बैंक ने नोटिफाई किया हुआ है, उस बैंक रेट का 3 गुना, वो भी 1 गुना नहीं 3 गुना, मतलब जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उसका 3 गुना इंटरेस्ट देना होगा, इसको बायर को देगा, बायर को देना होगा अपने सप्लायर को, अगर उसने सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, यह सेक्शन 16 में बोला गया। तो दोस्तों यह जो रूल है यह आज से नहीं है, या जब ये एक्ट आया तब से है, लेकिन कोई इतना ध्यान इस पर नहीं दिया है। अब मैंने जो ये सेक्शन में आपको बताया कि अगर आपने 45 दिन में या 15 दिन में पेमेंट नहीं किया है तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, यह सेक्शन में लिखा हुआ है, कानून है, लेकिन यहाँ अभी बिजनेस में ऐसा कोई नहीं है कि हर व्यापारी सिर्फ 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा, 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा, बिजनेस में तो इस टाइम ऐसा कुछ संभव नहीं है। बिजनेस में आपको 90 दिन में भी पेमेंट मिलेगा, 60 दिन में भी पेमेंट मिलेगा, 120 दिन में भी पेमेंट मिलेगा, आपको बिजनेस करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आपको फिर अगर आप 45 दिन से ऊपर चले गए या 15 दिन से ऊपर चले गए तो आपके ऊपर ब्याज लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आपका जो सप्लायर है आपके ऊपर क्लेम करेगा, ध्यान रखना ये सब चीजें कब लागू हो जाएंगी, जो आपका जो सप्लायर है जब आपके ऊपर केस फाइल करेगा, क्लेम करेगा, ये तो मेरा पेमेंट दिए ही नहीं अभी तक 45 दिन में या 15 दिन में जो भी कंडीशन है, और अगर दिए भी 45 दिन के बाद दिए, मतलब 90 दिन में दिए, अगर वो चाहता है कि मैं जो 45 दिन ज़्यादा इन्होंने ओवरड्यू हो गया है उसका ब्याज लूँ, तो अगर वो क्लेम करेगा सप्लायर बायर के ऊपर, तब ये सब कंडीशन लागू होगा। लेकिन दोस्तों बिजनेस में ऐसा होता नहीं है, कोई भी किसी को भी माल बेच रहा है तो 60 दिन 90 दिन 120 दिन नॉर्मल से उधारी चलती है। अब जो जिसने माल बेचा है वो अपना जो उधारी दिया वही लेगा, कोई इंटरेस्ट के लिए क्लेम करने किसी पर नहीं जाता है, बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस तो एक दूसरे के विश्वास के ऊपर ही चलता है ना, अगर आप इस तरीके से कर दोगे, किसी ने आपको 45 दिन के बाद पेमेंट दिया, 90 दिन में दिया, तो आप सीधा उस पर केस ठोंक दोगे इंटरेस्ट ब्याज के लिए, तो आपके पास कौन माल परचेज करने आएगा। तो बिजनेस में ऐसा होता नहीं नॉर्मली, लेकिन जो यह एमएसएमई एक्ट है ना, का कानून थोड़ा सा बहुत पावरफुल है, ये आपको पावर दे रखा है, अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपकी पेमेंट कोई रोक रहा है तो आप उसके खिलाफ केस फाइल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक का दोस्तों मैटर मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि यह सेक्शन 15 क्या बोलता है, सीधा सीधा सेक्शन 15 आपको साइड कर दिया भैया, अगर आपने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज से परचेज किया है तो आपको इतने इतने दिन में पेमेंट कर देना। और सेक्शन 16 क्या बोल रहा है, अगर आपने सेक्शन 15 के हिसाब से जो ड्यू डेट है आपने उस डेट तक पेमेंट नहीं किया है, उसके बाद आपको उस पर उस अमाउंट बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस रेट से जो रिजर्व बैंक ने नोटिफाई किया है जो बैंक रेट, उसका 3 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, या तो मामला समझ में आ गया, और लेकिन यह पहले से है, आज कोई नया कानून नहीं है,
या पहले से चला आ रहा है, अगर आपका सप्लायर आपके ऊपर क्लेम करेगा तो यह रूल लागू होगा, अपने आप से कुछ नहीं लागू होगा। आप अपने सप्लायर को 60 दिन में पेमेंट दो, 90 दिन में पेमेंट दो, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगा। हाँ, जब आपका सप्लायर क्लेम करेगा, आपके खिलाफ केस फाइल करेगा, तब यह सबसेक्शन काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसको पावर दिया हुआ है। ये तो बात हो गई भैया एमएसएमई एक्ट का, जो सेक्शन 15 सेक्शन 16 है, ठीक है। अब जो है ये हरकत में कब आया, जो भी मार्केट में इतना खलबली मची है, इसकी वजह से किसके, ये जो इनकम टैक्स सेक्शन 43B में क्लोज एच को ऐड कर दिया। मेन मुद्दा ये है, अब तक तो गाड़ी सही चल रही थी, लेकिन अभी जो खलबली मची है ना, इसकी वजह से मची है, इनकम टैक्स की वजह से। जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है, ये क्या कहता है, सबसे खतरनाक ये है। और दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, इसको सीरियस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं। तो यह क्या है सेक्शन 43BH, इसने भी रेफरेंस उसी का दिया है। किसका रेफरेंस, MSME का सेक्शन 15 का ही रेफरेंस इसमें भी दिया गया है, ध्यान रखना। इसमें क्या कहा गया है, जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने परचेज किया है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से, और बायर ने अपने सप्लायर को MSME एक्ट सेक्शन 15 के अनुसार पेमेंट नहीं किया है। देखिए, तो सेक्शन 16 था एमएसएमई का, इसने क्या किया, अगर बायर ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया सेक्शन 15 के हिसाब से, तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, ये भी यही कह रहा है, अगर बायर ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, इसके हिसाब से एमएसएमई सेक्शन 15 के हिसाब से, जो आपका यह सेक्शन 15 बोल रहा है, 15 दिन और 45 दिन वाला, इनकम टैक्स में सीधा सीधा इसी का रेफरेंस दिया गया है, अगर आपने जो भी परचेज किया है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से, अगर आपने उसका पेमेंट सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं किया है, तो जो आपका परचेज अमाउंट है ना, उस परचेज अमाउंट पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सीधा सीधा सा मतलब इनकम टैक्स सेक्शन 43BH का यही है, क्या आपने जो भी परचेज किया या कोई भी सर्विस लिया है से माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से, और जो एमएसएमई का सेक्शन 15 है 45 दिन या 15 दिन वाला हिसाब किताब, उसके हिसाब से आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपका जो परचेज अमाउंट है ना, उसका जो परचेज अमाउंट जो आपने परचेज किया है, उस परचेज अमाउंट पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। ये कहा गया सीधा सीधा था मतलब। और मैं यह भी बता देता हूँ कि इसमें इस सेक्शन में यह कैलकुलेट नहीं हुआ कि आपने 45 दिन के बाद किया है कि 15 दिन के बाद किया है, यह हिसाब नहीं है। इसमें यही देखा गया है कि आपका जब बुक्स ऑफ अकाउंट की क्लोजिंग होगी ना, तो 31 मार्च में आपको किसको किसको कितना रुपया देना है, जो क्रेडिटर्स होंगे ना, अगर उस क्रेडिटर्स में कोई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज वाला क्रेडिटर होगा, तो 31 मार्च में क्लोजिंग आ रहा होगा, 31 मार्च तक उसका खाता उसका बैलेंस आपने निल नहीं किया, और 31 मार्च की तारीख में वह 45 दिन या 15 दिन पार कर गया होगा, तब आपको जो है उस पर इनकम टैक्स देना होगा। और अगर आप 31 मार्च तक उसका पेमेंट कर देते हैं, भले आपने अप्रैल में परचेज किया हो इससे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज से, आपने आके सीधा 31 मार्च को पेमेंट कर दिया, तो आपको इनकम टैक्स उस पर नहीं देना होगा, तब आप 43B क्लोज एच उस पर लागू नहीं होगा। सीधा सीधा सा मतलब कि आपको 31 मार्च तक की क्लोजिंग में इस तरीके से कोई अमाउंट खड़ा नहीं होना चाहिए, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज से आपने परचेज किया है, 31 मार्च तक उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर 31 मार्च तक 15 या 45 दिन क्यों हो रहा है तो हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने मार्च में ही परचेज किया है, तो 15 या 45 दिन की उधारी पे किया है, तो अगर 31 मार्च तक थोड़ी 45 दिन पूरा होगा, तो फिर वो अप्रैल मई में भी जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आपको जो उसमें हिसाब लगाना है ना, वो 31 मार्च तक का 15 दिन हो रहा है या 45 दिन हो रहा है, आप जो ऊपर बताया गया उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। यह बोलता आपका इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच। अब इसमें क्या कहा गया है आगे,
जब सप्लायर को आप पेमेंट कर दोगे तब उस परचेज अमाउंट को आप एक्सपेंस में दिखा पाओगे इनकम टैक्स में। तब जो आप परचेज करते हो तो खर्चा ही है ना, जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तो आप उस परचेज को खर्चे में दिखा के उसको क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में। मतलब जो आपने उस पर ज्यादा इनकम टैक्स दिया है उस इनकम टैक्स को आप कम कर सकते हो बाद में, लेकिन जब आप सप्लायर को पेमेंट कर दोगे। इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो सेक्शन 43 बी क्लोज एच है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, इस एग्जाम्पल से आप और भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मान लीजिए मैंने परचेज किया 2 लाख रुपए का, और यह परचेज किससे किया, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक है 2 लाख का परचेज कर लिया। अब हमने 2 लाख को 2 लाख का माल बेच दिया 2,20,000 में, मैंने 2 लाख का परचेज किया था, बेच दिया कितने में, 2,20,000 में। तो मेरी इनकम कितना हुई, आप सीधे सीधे तरीके से लगाओ हिसाब किताब, 2 लाख में माल खरीदा 2,20,000 में बेच दिया, हमारी जो एक्चुअल इनकम हुई 20,000 ही तो हुई, क्योंकि 2 लाख हमने खरीदा ही है, 2 लाख तुम्हारा खर्चा ही था, हमने बेचा एक्स्ट्रा 20,000 में, तो इनकम तुम्हारा 20,000 ही माना जाएगा। तो सिंपल सा रूल है इनकम टैक्स का, 20,000 हमारी इनकम हुई और 20,000 पे हमें इनकम टैक्स देना है। लेकिन अभी देखो जो इस सेक्शन 43B क्लोज एच है, अब इसकी कहानी शुरू हो रही है। सीधा सीधा सा इनकम हमारी 20,000 आ गई, 2 लाख का माल खरीदा 2,20,000 में बेच दिया, 20,000 हमारी सीधी इनकम बनती है, 20,000 रुपये हमें इनकम टैक्स देना है। लेकिन अभी जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट हो रहा है, जो हमारे ऑडिटर हैं, जो हमारे CA साहब है, उन्होंने पकड़ा कि जो 2 लाख का आपने परचेज किया था, या तो आपने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज से परचेज किया था, और 31 मार्च तक भी आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, देखिए, लेकिन आपने 2 लाख का पेमेंट नहीं किया है एज पर सेक्शन 15 MSME, तो उस परचेज एक्सपेंस 2 लाख आपका इनकम मान लिया जाएगा। तो फिर जो आपका जो 2 लाख परचेज अमाउंट है वह आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब अब तक आपको 20,000 का इनकम दिख रहा था सीधा सीधा, लेकिन इस सेक्शन की वजह से आपका जो 2 लाख का परचेज का खर्चा है वह आपके 20,000 रुपए में ऐड हो जाएगा। यह मैंने लिख दिया आपको समझ के, परचेज अमाउंट प्लस 2 लाख रुपए। अब आपका टोटल इनकम कितना हो गया, इनकम आपका जो एक्चुअल इनकम बन रहा था 20,000, इनकम प्लस परचेज अमाउंट कौन था 2 लाख रुपए। तो इनकम प्लस परचेज अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000। अब आपको इनकम टैक्स देना होगा 2,20,000। इस सेक्शन का सीधा सा मतलब यह है, और इसी की वजह से ही पूरे मार्केट में खलबली मची है। तो आप समझ भी सकते हो इस चीज को, कहां मुझे 20,000 रुपए इनकम टैक्स देना था, सीधा सीधा सा मतलब मुझे 20,000 रुपए इनकम टैक्स देना था, अब इसकी वजह से सीधा मुझे 2,20,000 रुपए इनकम टैक्स देना होगा, 2 लाख और ऐड हो गया। वो ऐड कौन सा हुआ, परचेज अमाउंट ऐड हो गया, जो हमने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट नहीं किया किस मास तक। दोस्तों सीधा सीधा सा मतलब इसका यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, इसकी वजह से ना अभी जो हमारे सभी अकाउंटेंट दोस्त हैं, इन लोगों को भी भैया थोड़ा सा वर्किंग बढ़ गई है। अभी 31 मार्च क्लोजिंग के पहले इस पे भी हम लोगों को वर्क करना ही पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है भैया जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, छोटे छोटे लोगों से हमने परचेज किया है, वो तो माइक्रो में है कि स्मॉल में है, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स, उसको देखकर हमें इनको 31 मार्च तक का पेमेंट निपटाना पड़ेगा। क्या अकाउंटेंट लोगों के लिए थोड़ा सा वर्किंग बढ़ गया है। अब जो आपका CA होगा, जो आपका ऑडिटर्स होगा, जब आपकी बुक्स का ऑडिट करेगा, सबसे पहला फोकस उसका इसी पे जाएगा, आपकी क्रेडिटर्स के ऊपर, और आपको देखेगा, पूछेगा कि आपके क्रेडिटर्स में जो बकाया 31 मार्च तक आ गया है, कोई स्मॉल माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले का ड्यू डेट तो नहीं है, 15 दिन या 45 दिन ऊपर वाला तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो आप पेमेंट कर देना, क्योंकि कोई ऑडिटर भी ना जानबूझकर टैक्स नहीं लेगा। तो उसको पता चलेगा कि आपके बुक्स में इस तरीके से इतनी परचेज आ रही हैं जो कि आपने पेमेंट नहीं किया है, कोई भी ऑडिटर जानबूझकर इसको वेरीफाई नहीं करेगा, गलत टैक्स नहीं भरवाएगा, वो
जो सेक्शन बोल रहा है इनकम टैक्स का, उसके हिसाब से उस खर्चे को, उस परचेज को आपके इनकम में ऐड करके ही आपसे इनकम टैक्स भरवाएगा। क्योंकि ये कहानी आगे बढ़ने वाली है, इनकम टैक्स को भी पता है, कई लोग ऐसा कर जाएंगे वो भरेंगे नहीं इनकम टैक्स, फिर बाद में इनकम टैक्स अगर वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेकिंग करेगा और फिर आप पकड़े जाओगे, फिर दिक्कत ही वाली बात है ना। इसलिए कोई ऑडिटर भी जानबूझ के कोई गलत नहीं करेगा, ऑडिटर भी आपको करवाएगा, आपको चेक करवाएगा अपने सभी क्रेडिटर्स को। अगर कोई आपने माइक्रो या स्मॉल से परचेज किया है, अगर उसका 31 मार्च तक का ड्यू हो गया है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वह आपकी इनकम में जोड़ के आपसे टैक्स भरवा देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज एच और जो ये MSME है इसका जो सेक्शन 15 है, इन सब चीज समझ गए होंगे, और जो इंटरेस्ट वाला बात था ये भी समझ गए होंगे। अगर आपका सप्लायर आप पे क्लेम करेगा तो ये सब चीज लागू होगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना। और जो सेक्शन 43B क्लॉज एच है, आपका 31 मार्च तक अगर ड्यू हो रहा है तो आपका पेमेंट होना चाहिए। कोई यह नहीं वेरीफाई कर रहा आपने 45 दिन के बाद किया, 15 के बाद किया, लेकिन 31 मार्च की क्लोजिंग में आपकी बुक्स में हुआ नहीं आना चाहिए। अगर ड्यू हो रहा है जो हिसाब किताब बैठ रहा है 15-45 दिन वाला, उसके हिसाब से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अभी एक चीज इसमें बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर वाला, क्योंकि अभी जो ट्रेडर्स भी बिल बना रहे हैं ना, वो भी अपने बिल के साथ ये SME का सर्टिफिकेट लगा के भेज रहे हैं, तो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के अंदर कि जो ट्रेडर्स हैं वो भी इसमें कवर होगी कि नहीं होगी। उसके लिए मैं बहुत ही जल्द, बहुत ही क्लियर, पूरा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ उससे भी वीडियो आपको बना दूंगा कि वास्तव में ट्रेडर्स के लिए है कि नहीं है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप बताना, यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।